हाय, वेलकम टू द बैंकिंग स्टडी। आज हम बात करेंगे कुछ कंप्यूटर टर्म्स की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो जो कंप्यूटर्स का शॉर्ट टर्म्स होता है, जिसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। फुल फॉर्म से एक टर्म्स पूछ लिया कि ए का मतलब क्या हो गया, ए का क्या मतलब है, ऐसे कुछ टर्म्स जो कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं वो हम आज बात करेंगे। ये वीडियो भी दो पार्ट में होने वाला है, क्योंकि इतना सारा टर्म है जो एक पार्ट में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं इस वीडियो दो पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट तो अभी चल रहा है और नेक्स्ट पार्ट हम आगे अपलोड करेंगे। जाने से पहले मैं बता दूं, बैंकिंग स्टडी चैनल जो कि सिर्फ बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है, और जो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ये चैनल डेडिकेटेड है। और भी सारे जो बच्चे देख सकते हैं और यहाँ से मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूँ, चैनल को इस बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोस हो वो आपके डैशबोर्ड में हो, आपके होम पेज में हो, और आपका आसानी हो मेरा वीडियो, हम लोगों का वीडियो आप ढूंढने में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज का कंप्यूटर टर्म्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिस विल बी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज एंड सेकेंड पार्ट विल कम सून। ओके, तो जो पहला शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज ए सी डी, आप लिख सकते हैं एक कॉपी निकाल के। ये वीडियो आप दो बार देख लेंगे एग्जाम देने से पहले, तो आई होप आपको हो जाएगा। तो पहला है एस ई डी, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। ये पहला है ए सी डी, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए डी सी पी, एडवांस डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इट इज़ फ्रॉम नेटवर्किंग पार्ट, एडवांस डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII कोड, जो कीबोर्ड में यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, याद रख लीजिएगा ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ALU, ये CPU में रहता है, एर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है उसे, एर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ATDM, असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये भी नेटवर्किंग से है, असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ATDM, असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। BACP, बैंडविड्थ एलोकेशन प्रोटोकॉल। बैंडविड्थ एलोकेशन प्रोटोकॉल, ये जितने सारे प्रोटोकॉल वाला टर्म्स हो गए बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, BACP, बैंडविड्थ एलोकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बेसिक, ये एक प्रोग्रामिंग का नाम है, इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये सेकेंड जनरेशन जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था उसी सेकेंड जनरेशन में ये भी इन्वेंट हुआ था। ठीक है, बेसिक, जिसका इम्प्रूव वर्सन है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BERT, बिट एरर रेट टेस्ट। बिट एरर रेट टेस्ट, बिट एरर रेट टेस्ट। BIOD, बेसिक इनपुट आउटपुट डेमन। बेसिक इनपुट आउटपुट डेमन, BPS, बीट पर सेकंड। बीट पर सेकंड, ये कंप्यूटर इंटरनेट स्पीड इसे नापा जाता है, बीट पर सेकंड। CARP, कैचे एरे राउटिंग प्रोटोकॉल। जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, मैं पहले ही बोल दें कि प्रोटोकॉल जो भी शॉर्टकट में आता है उसे आप थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, कैचे एरे राउटिंग प्रोटोकॉल, कैचे एरे राउटिंग प्रोटोकॉल। CDAC, ये कंपनी का नाम है, पुणे बेस है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिन्होंने परम ईशान, जो कि रिसेंट सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, ठीक है, उसको बनाया है CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स,
ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, CXML। XML का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। उसका ही एक फॉर्म है कॉमर्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, कॉमर्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज DAP, डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर प्रोटोकॉल, डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल याद रखिएगा। DBML, डेटाबेस मार्कअप लैंग्वेज। ये ML जहाँ पे भी आता है मार्कअप लैंग्वेज ही होता है। DBML, और DB जहाँ पे आता है डेटाबेस आता है। DBML, डेटाबेस मार्कअप लैंग्वेज। DHTML, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर ML, मार्कअप लैंग्वेज, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DIP, डायल अप इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर प्रोटोकॉल, DIP, डायल अप इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ का पहला वर्जन है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DRAM, डी रैम बोला जाता है इसे, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। EAP, एक्सटेंशिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अगेन प्रोटोकॉल, एक्सटेंशिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ABDIC, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EIP, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। नेटवर्किंग से है ये, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये सुपर कंप्यूटर इससे नापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। FPS, इसका दो फुल फॉर्म है, एक तो है फ्रेम पर सेकेंड, जो वीडियो जब होता है ना एडिट होता है रिकॉर्ड होता है तब नापा जाता है इसे, फ्रेम पर सेकेंड। और ये फास्ट पैकेट स्विचिंग, ये नेटवर्किंग से है। FSP, फाइल सर्वर प्रोटोकॉल। अगेन प्रोटोकॉल, फाइल सर्वर प्रोटोकॉल। FTAM, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट। GDP, गेटवे डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, गेटवे डिस्कवरी प्रोटोकॉल, गेटवे डिस्कवर प्रोटोकॉल। GSM, जो सिम आता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस क्या होता है वो आने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियोस होगा उसमें होगा, देखिएगा ज़रूर। HDF, हायरार्किकल डेटा फाइल, हायरार्किकल डेटा फाइल। HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। HTML, हैंड हेल्ड डिवाइस मार्कअप लैंग्वेज। ये हैंड हेल्ड डिवाइस होता है क्या है, जो हाथों से कंट्रोल किया जा सकता है, लाइक मोबाइल हो गया, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया, जो टैब हो गया, वो सारे हैंड हेल्ड डिवाइस मार्कअप लैंग्वेज। HID, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। HSSI, हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस, हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस। HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ICM, इमेज कलर मैचिंग, इमेज कलर मैचिंग। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP हर कंप्यूटर में होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल।
IDRP इंटर डोमेन राउटर प्रोटोकॉल, इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, कहीं कहीं इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल लिखा जाता है, पर ये है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। INSP इंटरनेट नेम सर्वर प्रोटोकॉल, इंटरनेट नेम सर्वर प्रोटोकॉल। IOS इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल IOS नाम तो सुना ही होगा, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस वो सारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये IP एड्रेस के बारे में जो मैं अगला वीडियो आएगा नेटवर्किंग, उसमें IP एड्रेस का पूरा डिटेल्स, OSI, TCP, IP मॉडल सब हम आपके लिए लाएंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। IPP इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, IPP इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। ITSP इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर। JPG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये एक इमेज फॉर्मेट होता है, आप सभी को पता होगा, इमेज फॉर्मेट .png, .gif, .bmp, ये सारे सारे इमेज फॉर्मेट होता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। LAWN लॉन जिसे कहता है, ये होता है लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क। आज के लिए इतना ही बस, मैं बस 50 जो शॉर्ट फॉर्म था वो मैंने लिया इसलिए कि आपको अगर दो बार वीडियो आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा मैंने नहीं लिया इसीलिए ताकि आप शॉर्ट टाइम में देख सकते हो और याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर कोई भी रिकमेंडेशन, एडवाइस, सजेशन, क्वेरी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसको ऐसा वीडियोस की ज़रूरत है जो कि बैंकिंग प्रिपरेशन के बहुत मदद करते हैं, तो आप बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, आपको अच्छा लगा हो नहीं भी लगा हो, क्योंकि हर किसी का अच्छे लगने का जो पैरामीटर होता है वो सही सेम नहीं होता, ताकि दूसरे को भी अच्छा लग सकता है ये वीडियो, ठीक है। तो आप शेयर बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ज़रूर, मतलब एकदम 100% सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियोस होंगे बैक जो कंप्यूटर अवेयरनेस पे होगा, सारे के सारे पूरा डिटेल्स हम कवर करेंगे धीरे धीरे, तो आपको मिल जाए और आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि आसान हिसाब कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।